जी भर के देख लूँ तुझे जाने से पहले, बाहों में भर लूँ तुझे प्यार कर लूँ जाने से पहले। माई स्टूडियोज द्वारा तैयार किए गए इस गीत के म्यूजिक वीडियो में सरहद पर जाते सैनिक की पत्नी के किरदार में आगरा की उभरती बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा गोस्वामी ने अपने जीवंत अभिनय से सबके हृदय में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। अवसर था शुक्रवार दोपहर संजय प्लेस स्थित होटल मेट्रो में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आगरा की बेटी और उभरती बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा गोस्वामी द्वारा सैनिकों को समर्पित देशभक्ति गीत के म्यूजिक वीडियो का रिलीज किया गया। आगरा के मशहूर फिल्म निर्माता और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सदस्य रंजीत सामा, प्रतिभा जिंदल, नीरज तिवारी, धनंजय सिंह, सूरज तिवारी, मुकेश नेचुरल, डॉक्टर महेश धाकड़, संजय दुबे और नेहा गोस्वामी ने संयुक्त रूप से म्यूजिक वीडियो का पोस्टर रिलीज किया। इस दौरान बॉलीवुड में नेहा के अब तक के सफर को एक वीडियो द्वारा स्क्रीन पर खूबसूरती से दिखाया गया। सभी ने नेहा के शानदार अभिनय और जज्बे की सराहना की। इस अवसर पर नेहा गोस्वामी ने कहा कि बेटियों का नाम बढ़ाना और देश का मान बढ़ाना मेरी जिद है। मैं हूँ एक्टर नेहा गोस्वामी, आगरा से हूँ और अभी हाल ही में मैंने एक एल्बम किया है। ये वैसे मेरी दूसरी एल्बम है, इससे पहले भी मेरी एक आ चुकी है अभी जाओ ना, जो जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हुई थी, जिसके व्यूज 30 लाख प्लस गए थे। एंड ये मेरी सेकेंड एल्बम है जी भर के देख लूँ, जो माई स्टूडियो ने इसे प्रेजेंट किया हुआ है। और इसमें मैंने एक वाइफ का रोल निभाया है, जो एक आर्मी की वाइफ होती है, जब उसका हस्बैंड उसको छोड़ के जा रहा होता है अपने बॉर्डर पर लड़ाई के लिए, फाइट के लिए, तो वो क्या फील करती है और बहुत परेशान होती है, वो लौट के आए नहीं आए, उसके दिमाग में कई ख्याल आते हैं, तो वो रोल मैंने प्ले किया है। और ये सॉन्ग है स्पेशल इंडियन आर्मीज़ के लिए, ये ट्रिब्यूट किया गया है। और वही आप सभी जानते हैं कि वो रियल लाइफ हीरोज़ हैं और हम तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक ऑन स्क्रीन रोल निभाया है, वो हमारे ऑफ स्क्रीन है। आज हम सुकून से जो सांस लेते हैं उनकी वजह से लेते हैं। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि अगर मुझे थोड़ा टाइम मिले तो मैं आर्मीज़ के कैंप में जाके थोड़ा सा बताऊं कि हमारी एल्बम आई है, जो हमने उनको ट्रिब्यूट किया है। तो मैं बहुत लक्की मानती हूं कि मैं इस सॉन्ग का पार्ट रही। समारोह में एक और जहां आगरा के रंगकर्मियों, कलाकारों और समाजसेवियों ने उभरती एक्ट्रेस नेहा गोस्वामी का बुके, माला, मोमेंटो और शॉल द्वारा अभिनंदन किया, वहीं फिल्म निर्माता रंजीत सामा ने नेहा गोस्वामी को RA मूवीज की अगली फिल्म में मेन लीड का ब्रेक देने की घोषणा करके उसको सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन राहुल उपाध्याय ने किया। इस मौके पर नेहा गोस्वामी के पिता पदम गोस्वामी, माँ निर्मला गोस्वामी, बहन शिवी गोस्वामी और भाई कृष्णा गोस्वामी के साथ साथ अनिल जैन, हरीश आहूजा, चंचल उपाध्याय, आदर्श नंदन गुप्त, विनीत बवानिया, वासु मूलचंदानी, ऋषि बत्रा, रविंद्र अरोड़ा, नीरज राघव भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सामा RA मूवीज मेरा प्रोडक्शन हाउस है और करीब मैं 20-22 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका हूँ और मैं पहले भी आगरा के आर्टिस्टों को प्रमोट कर चुका हूँ। और उसी श्रृंखला में नेहा गोस्वामी जी को, क्योंकि वो आगरा की बच्ची है और मेरा ये जुनून रहा है कि आगरा वालों को, चाहे वो हीरो या हीरोइन हो या हास्य कलाकार हो या गीतकार हो, सबको प्रेजेंट करने में जो भी मैं ताकत लगा सकता हूँ लगा रहा हूँ। और मेरा जो अगला प्रोडक्शन 3-4 महीने में शुरू होने वाला है, उसमें मेन लीड के अंदर नेहा गोस्वामी जी को मैंने साइन किया। मैसेज ये है कि आगरा की बच्ची को अगर आगरा के लोग प्रोत्साहन नहीं देंगे तो आर्टिस्ट कैसे आगे बढ़ेगा। मॉरल सपोर्ट चाहिए आर्टिस्ट को आगरा के लोगों से, मीडिया से। मेरी बेटी का जो नेहा गोस्वामी है, उनका अभी जाओ ना सॉन्ग रिलीज हुआ, एक जी भर के देख लो, और दोनों सॉन्गों का इन्होंने प्रमोशन अच्छे से आगरे से ही बोला करेंगे, तो उसके लिए अच्छा लगा। बेटी हम तो ही कहेंगे हर माँ बाप अपनी बेटी को आगे बढ़ाए। कितना स्ट्रगल करा आपकी बेटी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, किन किन परिस्थितियों का सामना करा, क्योंकि एक लड़की की लाइफ वेरी काफ़ी डिफरेंट होती है। परेशानियाँ तो खैर होती हैं और जिनको झेल जाएँ, बर्दाश्त कर लें तो बेटी कामयाब बन जाएगी। और जो दिल तोड़ दिया, समझ लो कि हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे, तो वो वही बेटे बन जाएंगे। मैम फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, सबसे अगर सारा सपोर्ट फैमिली का ही है, उसके फादर का और मेरा और हमारी सब 4 फैमिली है, 5 फैमिली है, टोटल लगाकर सबका ही हम सहयोग है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।